अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इजी पेट्रोल पंप एंड सीएनजी स्टेशन सॉफ्टवेयर में कौन से ऑप्शन है और किस तरह एक पेट्रोल पंप पर या फिलिंग स्टेशन पर हम इसे शुरू कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके मेन मेन्यू पे आते हैं कि सबसे पहला टैब है फरोख्त। फरोख्त में शिफ्ट की तफसील का अंदराज 101 नंबर पहला ऑप्शन है। इसमें जो 101 नंबर है, इधर से शिफ्ट एंटर करेंगे तो हमें हर नोजल का अलग अलग हिसाब देना पड़ेगा। फिर है फेरिस्ट फरोख्त बिसाब शिफ्ट, के जितनी भी शिफ्ट हमने डाल रखी हैं वो उन शिफ्ट की हम लिस्ट देख सकते हैं कि कोई भी हम टाइम पीरियड देंगे उसके दरमियान में जितनी भी शिफ्ट हमने डाल रखी हैं उनकी हम डिटेल से देख सकते हैं कि उस में पिछली वसूली कितनी हुई अकेली अकेली शिफ्ट में, और कुल सेल कितनी हुई, नकद कितने वसूल हुए और उधार कितने हुए, कमीशन हमें कितना आया, डिप से जो लॉस गेन कितना हुआ और कुल हमारा कमीशन लॉस गेन के समेत कितना बना। तो इस तरह हम फेरिस्ट में जाके हर डेट की जो शिफ्ट है या एक डेट में एक से ज्यादा शिफ्ट हैं उनकी डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद आ गया फेरिस्ट सेल अकाउंट्स, जितने भी उधार खाते हमने खोल रखे हैं अपने कस्टमर्स के या ग्राहकों के, तो वो हम देख सकते हैं। एक ग्राहक के एक से ज्यादा खाते भी खोल सकते हैं और या एक ही खोल सकते हैं जैसे हमें जरूरत हो। तो इस पे से ऑटोमेटिकली कोई डेट रख देंगे जब आप चाहें कि आपके ग्राहकों को उनके बकाया जात और उनके नाम के साथ आपके पेट्रोल पंप की तरफ से एसएमएस जाए, वो भी ऑटोमेटिकली जाएगा। उसके बाद आ गया नया सेल अकाउंट। यहां से हम किसी भी कस्टमर का जो सेल अकाउंट खोल सकते हैं जिसकी वीडियो मौजूद है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, और जो है कि हम एक से ज्यादा खाते भी उसके खोल सकते हैं। 105 नंबर पर है शिफ्ट की तफसील का अंदराज, इसकी वीडियोस भी वीडियो नंबर 13, 14 और 15 इजी पेट्रोल पंप आप यूट्यूब पे लिखेंगे तो वो आ जाती हैं, जिसमें शिफ्ट की अंदराज टोटल समझाया गया है। तो ये हो गया हमारा फरोख्त का टैब। उसके बाद खरीद है, खरीद में आर्डर भी हम कई दफा शिफ्ट के अंदर से भी कर सकते हैं, कर चुके हैं और यहां से भी कर सकते हैं। और उसके बाद है ऑर्डर्स की फेरिस्ट, जो भी ऑर्डर्स हमने कर रखे हैं उनको इसी भी दो तरीके सेलेक्ट करके उनके दरमियान हम देख सकते हैं कि हमने कौन से ऑर्डर कर रखे हैं और इनमें से कौन से वसूल हो गए हैं और कौन से वसूल नहीं हुए। तो उसके बाद खरीद के टैब के नीचे हमारे पास ऑप्शन है वसूली ऑर्डर्स, जो भी ऑर्डर्स हमने मतलब कर रखे हैं अभी पेंडिंग है उनकी काबिले वसूल तादाद है वो यहां से हम वसूल कर सकते हैं, जो हमने शिफ्ट के दरमियान किए भी हैं वसूल, तो यहां से भी आप एंट्री डाल सकते हैं। और जब शिफ्ट हम रोजनामचा लिख रहे हैं ना तो ये सारा काम उधर से भी हो जाता है। अब ग्राहक का टैब आ गया थर्ड टैब, या नया ग्राहक हम किसी वक्त भी कोई नया ग्राहक जो है वो यहाँ पर सेव कर सकते हैं। यहाँ ग्राहक का सिर्फ नाम भी दे दें तो ग्राहक सेव हो जाता है, या मोबाइल नंबर या जितनी मालूमात है वो दे दें, बाकी बाद में दे सकते हैं। उसके बाद ग्राहकों की फेहरिस्त आ गई, यहाँ जो भी ग्राहक हम अंदराज कर लेते हैं उनकी फेहरिस्त आ जाती है, अगर उनके एक से ज्यादा खाते हैं तो सबका जो है टोटल यहाँ उनके साथ काबले अदा जो उन्होंने हमें देना है वो आ जाता है। यहाँ तमाम ग्राहकों को मुंतखब ग्राहक को एसएमएस भी कर सकते हैं। ग्राहक का मेन लेजर इसलिए है कि एक बंदे के दो अकाउंट हैं, तीन अकाउंट है, पांच अकाउंट है, तो उसका मेन लेजर चल रहा है कि सारे टोटल उसके किस तरह काम हुए, किस तरह बढ़ते गए। इसी तरह ग्राहक का अकाउंट लेजर के विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट, उसका लेजर के एक एक अकाउंट का कोई भी अकाउंट, ये देखें लिस्ट, यहां से किसी भी बंदे का हम नाम सिलेक्ट कर सकते हैं या उसका खाता मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी गाड़ी के अलग अलग लेजर भी निकाल सकते हैं और उसका अकाउंट का लेजर भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम आ गए चौथे टैब पे जो है सप्लायर, यहाँ नया सप्लायर ऐड कर सकते हैं, सप्लायर को ओपनिंग बैलेंस हम ऐड कर सकते हैं,
और जो मजे की बात यह है कि ओपनिंग बैलेंस अगर गलत एंटर हो जाए तो हम उसके बाद कई बिल डाल चुके हैं तो ओपनिंग बैलेंस को फिर भी हम ठीक कर सकते हैं जिसकी वीडियो इंटरनेट पे मौजूद है। सप्लायर्स की फेरिस्ट जितने सप्लायर हमने डाल सके हैं उनको देखना हो और उनका काबिलेदा रकम और नीचे टोटल आ जाएगा कि कितने हमने देने वाले पैसे हैं। अगर एक से ज्यादा सप्लायर है तो वो यहां से देख सकते हैं। अदायगी सप्लायर को अदायगी किसी वक्त भी जो भी करनी है उसका कोड लगाए और उसका आगे आगे उसको पे करने वाले कितने रहते हैं 60 लाख, अब उसमें से जितने पे करने हैं कर दें। तो सप्लायर लेजर कि सप्लायर लेजर हम किसी वक्त भी सप्लायर का लेजर देख सकते हैं कि उसके साथ हमारा लेन देन किस तरह हुआ, किस तरह हमने ऑर्डर किया, किस तरह फिर उसको पेमेंट भेजी, किस बिल नंबर के तहत भेजी और किस किस तरह किस किस डेट को हमारी जो है वो पेमेंट्स हुई हैं। तो ये पूरी डिटेल के साथ ऑर्डर में क्या था और कब किया गया ये सारा और अदायगी उसके बाद ये पूरी डिटेल से आता है। तो उसके बाद स्टॉक आ गया, स्टॉक में फर्स्ट फेरिस प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट हमने सॉफ्टवेयर में एंटर कर रखी है उनके नाम आ गए और उनकी मौजूदा तादाद आ जाएगी जो आपके पास इस स्टॉक में है। नई प्रोडक्ट ऑप्शन है स्टॉक में, स्टॉक टैब के नीचे, यहां से आप कोई भी प्रोडक्ट नई ऐड कर सकते हैं और उसको ओपनिंग बैलेंस दे देंगे जिस डेट को आपने वो ऐड की। ये ओपनिंग बैलेंस भी बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं अगर गलत एंटर हो गया तो। अच्छा, प्रोडक्ट्स की आमद और निकास के प्रोडक्ट आई और गई जिस हिसाब से हैं कि हम यहाँ देखें कि एक नंबर हमने पेट्रोल लगाया, इस वक्त हमारे पास 23,494 लीटर ये मौजूद हैं। अब हम ये किस तरह हमारे पास आया, किस तरह गया, हम इसकी दो डेट्स के दरमियान देखना चाहें तो वो पूरी डिटेल से हम देख सकते हैं कि ये किस किस तरह हमारे पास आया और किस किस तरह हमने किस किस शिफ्ट में कितना कितना हमारे पास सेल हुआ और आखिर में ये देखें कि ये लास्ट एंट्री में 23,494 लीटर हमारे पास टोटल हिसाब इसने कर दिया कि मौजूद है। अच्छा, उसके बाद ये स्टॉक का टैब था पांचवा, इसके बाद है छठा टैब हमारे पास कैश और बैंक अकाउंट्स। यहाँ नया बैंक अकाउंट हम खोल सकते हैं, फेरिस बैंक अकाउंट्स देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से बैंक अकाउंट हैं और जो उनमें इस वक्त बैलेंस कितना है। और उसके बाद चेक्स आ गए कि चेक्स का जो है कि हमने ग्राहक से चेक लेना है तो भी इंटर इधर करना है, लिए गए चेक्स की फेरिस इधर देखेंगे, सप्लायर को चेक देना है, दिए गए चेक्स की फेरिस इधर देखेंगे और जब उसकी मुख्तलिफ डिटेल जो है इंटर कर। नया कैश अकाउंट जो कैश अकाउंट भी बैंक अकाउंट जैसा ही होता है, जो अकाउंट हमारे पास है किसी बैंक में नहीं है, हमने एक घर का बना लिया कि घर पैसे रखते हैं, एक पंप का बना लिया और एक कोई किसी दोस्त के पास आपके पैसे हैं या उससे आप लेते देते हैं उसका बना लिया, ये कैश अकाउंट हो गया फेरिस्ट कैश अकाउंट। तो इसमें जितने भी हमने कैश अकाउंट खोल रखे हैं वो उनकी फेरिस्ट इधर आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद आ गया हमारा लेजर, लेजर में जो है चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो असासाजात मसलन बुनियादी अकाउंट्स को पहले आप देखें तो बुनियादी अकाउंट्स अकाउंटिंग जो है उसमें 8 मेन ग्रुप्स में सारे कारोबार को डिवाइड किया जाता है कि असासाजात होते हैं जो मौजूदा हो गए और तवील मुद्दती हो गए, इसी तरह वाजबात है जो हमने अभी अदा करने हैं जैसे बिजली का बिल हो गया जल्दी जल्दी अदा करना, और वाजबात तवील मुद्दती वो होते हैं जैसे कोई लोन है वो हमने 2 साल बाद अदा करना। इसी तरह पांचवा है सरमाया, छठा इनकम, अखराजात को भी 2 ग्रुप्स में आजकल डिवाइड किया जाता है कि खरीदारी के अखराजात अलहदा और दीगर अखराजात अलहदा। तो ये चीज हो गई। उसके बाद हमारे पास ये उसके सब ग्रुप्स आ गए कि वाजबात के अंदर कौन से ग्रुप हैं, सरमाया के अंदर कौन से ग्रुप हैं, इनकम के अंदर कौन से ग्रुप हैं, अखराजात खरीदारी के अंदर कौन से ग्रुप हैं, अखराजात दीगर के अंदर हमारे कौन से खर्चे हैं। तो ये चार्ट यूज होता है बाद में डिटेल देखने के लिए। और इस यहाँ आप कोई जैली ग्रुप देख सकते हैं, नया जैली अकाउंट्स ग्रुप खोल सकते हैं, यहाँ आप लेजर देख सकते हैं किसी भी अकाउंट का,
उसके बाद नया लेजर अकाउंट हम यहां ओपन कर सकते हैं जिसमें भी हमने कोई ट्रांजैक्शंस करनी है। उसके बाद लेजर का टैब के बाद जो आठवां टैब है सरगर्मी के कौन कौन से यूजर सॉफ्टवेयर में लॉगिन हुए और उन्होंने कौन कौन से पेज खोले और क्या क्या काम किया। नवा टैब है यहाँ जरूरी काम के एक बंदे को हम एक काम जिम्मे लगाते हैं वो भूल जाता है तो हम सॉफ्टवेयर में ये सुविधा रखी है कि कोई भी काम लिख दें जिम्मेदार किस बंदे ने करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और डेट डालेंगे किस डेट को करना है और जो है कि महफूज कर देंगे। अब उस बंदे को उस दिन मैसेज भी जाएगा और जब वो काम डन कर देगा आपको मैसेज आएगा कि उसने ये काम कर दिया है। अच्छा उसके बाद आगे मुलाजमीन तो यहाँ से नया मुलाजम एंटर कर सकते हैं हम किसी वक्त भी और उसकी डेट टाइम कि कब आना है कितनी तनख्वाह है ये वगैरह हम दे सकते हैं। उसके बाद मुलाजमीन की हाजिरी आ गई, हाजिरी आप बायोमेट्रिक भी लगा सकते हैं वो मशीन ले आएंगे अंगूठा लगाने वाली। तो उसके बाद मुलाजमीन की तनख्वाह आ गई, यहाँ आप मुलाजमीन की जो तनख्वाह एंटर की है वो आ जाती है और उसके आगे उसने कितना एडवांस लिया हुआ है या उसके देने वाले रहते हैं वो बकाया आ जाता है। यहाँ आप किसी भी तरीक को ये नीचे ऑप्शन है मुंतखब मुलाजमान को जारी की गई तनख्वाहें तो वो जो है कि उसको तनख्वाह एक डेट को आप जारी कर देंगे, देखिए उसको दी नहीं उसको जारी कर दिया आपने तो वो उसके खाते में चले जाएगी। फॉर एग्जांपल एक बंदे की 10,000 तनख्वाह है आपने पहली 5 तारीख को उसे जारी कर दी तो उसके खाते में 10,000 आपकी तरफ देने वाला आएगा तो उसके बाद क्या है कि आप उसको किसी वक्त भी दे सकते हैं। तो ये होगी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10 नंबर टैब के नीचे। 11 नंबर टैब अखराजात, अखराजात डालने हमने शिफ्ट नहीं है, यहाँ हम देख सकते हैं मुख्तलिफ अकाउंट खोल के कि किस किस खाते में हमने कितने कितने अखराजात और कब कब किए। और उसके बाद आ गया सेटिंग, सेटिंग में डिस्पेंसर का अंतराज, यहाँ नए डिस्पेंसर हम ऐड कर सकते हैं। नोजल का अंदराज, यहाँ जितनी भी नोजल है जिस डिस्पेंसर पे है उस नोजल में डीजल है पेट्रोल है एक्टेन है क्या डिसाइड कर सकते हैं। तो उसके बाद आ गया शिफ्ट के औकात के हम 24 घंटे में एक शिफ्ट लगाएंगे दो लगाएंगे तीन लगाएंगे वो यहाँ एक दफा बता देंगे। उसके बाद है सेटिंग में डिप चार्ट, डिप चार्ट में हम जो है कि किसी प्रोडक्ट का डिप चार्ट हम डाल देंगे वो हमें बार बार फिर उसकी रीडिंग से लेटर नहीं बनाने पड़ेंगे। उसके बाद है बुनियादी मालूमात सेटिंग में 12 नंबर टैब के नीचे, यहाँ पंप का नाम रबता वगैरह आ जाएगा, यूजर यहाँ डिफाइन हो जाएंगे और यूजर की जो इख्तियारात है वो हो जाएगा कि वो यूजर किस किस पेज को खोल सकता है क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। उसके बाद जो हो आ गया एसएमएस की सेटिंग आ गई कि किस नंबर पे एसएमएस भेजने हैं ओनर का, और ईमेल की सेटिंग आ गई कि ओनर का ईमेल कौन सा है, तो इस तरह की सेटिंग्स इधर हैं। उसके बाद जो आ गया फोन डायरेक्टरी है इसमें 13 नंबर पे कि फोन डायरेक्टरी में आप अपने दोस्त अहबाब फॉर एग्जाम्पल आप कोई यूनियन चला रहे हैं या मतलब आपके एक पैगाम भेजना होता है सबको कि ये रेट आज रहा तो उन सब के ग्रुप बना लेंगे, ये ग्राहकों के हैं ये दोस्तों के हैं ये फैमिली के हैं तो सबको किसी को किसी भी ग्रुप को इकट्ठा या सारे जितने भी नंबर इधर डालेंगे उनको इकट्ठा मैसेज एसएमएस दे सकते हैं इसी सॉफ्टवेयर से। तो उसके बाद फोन डायरेक्टरी के बाद असासा जात आ गए, असासा जात में जितने भी आपके पास मेज कुर्सी या जो भी चीजें मौजूद हैं वो हम इसको यहाँ डाल सकते हैं। तो असासाजात में हम जो भी हमारा जरूरी सामान है इसमें बिल्डिंग भी आप डाल सकते हैं और आपको पता होगा कि मेरे कुल असासाजात इतने हैं और साल बाद उसकी कीमत में कोई कमी इजाफा होता है वो आप कर सकते हैं। तो ये मुख्तसर सा एक तारफ था कि जो फरोख्त खरीद गाहक सप्लायर स्टाक कैश लेजर सरगर्मी जरूरी काम मुलाजमीन अखराजात सेटिंग फोन डायरेक्टरी और असासाजात ये जो 14 टैब्स हैं उनमें आगे कौन से ऑप्शन है। तो इतना सा ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कि शुरू से हम कैसे डिस्पेंसर नोजल प्रोडक्ट डालेंगे और शुरुआत कैसे करेंगे वो उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे।